हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं ते तुहाडा सवेरे सवेरे मेरे ब्लॉग दे विच स्वागत है। अज्ज खड़े हाँ रेलवे स्टेशन ते, सरहंद ओह शहीदां दी धरती है जिथे छोटे साहिबजादिआं दे बच्चिआं नूं गुरु जी दे बच्चिआं नूं चिणिआ गिआ सी, ते बंदा बहादुर दी इत्थे बणी हुई है तस्वीर, ते मोहरां इत्थे जिहड़े कंधां नीआं 'च चिणे गए सी छोटे साहिबजादे, उहनां दी वी तस्वीर बणी हुई है। तां बड़ा इतिहासिक शहर है। रेलवे स्टेशन ते खड़े हैं, ट्रेन की वेट करते पे हैं। सवेर का टाइम होया पे 4। फैमिली है सारी इन लॉ दी। इत्थे ट्रेन आने वाली हैगी, हले वेट है। वाहवा वड्डा जंक्शन है भी, तो मेन हब है गया, सारी इलैक्ट्रिसिटी वायर लगी हुई है इत्थे सरहंद जंक्शन का। लोग होर भी पैसेंजर खड़े ने हले जान वास्ते। ट्रेन की वेट कर रहे हैं, अभी चलेंगे अज माता चिंतपुरनी। माता चिंतपुरनी का थोड़ा दिखावे रास्ते, जाते जाते सरहंद तो ट्रेन चढ़ के कितने किड़े स्टेशन से, फिर उस कितने जाके रुकना। अपना चलो आ जाओ आलन तो ट्रेन से बैठते हैं। लाइट जी चल रही हैगी यह ट्रेन की ही है, ट्रेन आ रही है दिल्ली तो आ रही है, तो सरहंद के स्टेशन पर पहुँच चुकी है। मरिंडा के स्टेशन पर सरहंद तो चले थे, पिछे बसी पठाना न्यू चंडीगढ़ जोड़े उतरने वाले आ जाए, उतरने वाले उतरी जाते। टाइम लगना गा घट्टो घट्ट 20 मिनट लेट ट्रेन सी, इस बाद देखते हैं किड़ा स्टेशन आता। रोपड़ का स्टेशन टप चलने, सामने तुसी देख सकते हो पहाड़ियों के पीछे सूरज की पहली झलक, सूरज निकल आया। सफर साडा तय जारी है, बड़ा जोर पहुंचन वाले। यह है सतलुज दरिया के बिचों निकलता हुआ पानी, थोड़ा जहा दूर करके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ठंड भी बहुत लग रही हैगी, बाकी पहाड़ी पौड़ियाँ बिचों आई जा। चलो रास्ते च होर दिखाने नज़ारे, थानू स्टेशन आ गया मैंने लगता रुकूगी गड्डी। कीरतपुर साहब का स्टेशन आ चुका, इतने रुकनी नहीं ट्रेन मेरे ख्याल, जो रुकी भी तो फिर कुछ सेकेंटा ही रुकेगी। स्टेशन बन रहा है बड़ा, ट्रेन इतने रुकी है क्योंकि क्रॉसिंग है। भंगड़े पाई जाते अपने, ट्रेन आ गई है, लंघ चली है। आ ट्रेन अगे नू जाऊगी, हूँ झंडी दवा देती है, उधर तुर भी है, ए सी है पूरी। अंकल ने दवा दी है, न्यू दिल्ली जा रही है उड़ना। आनंदपुर साहब स्टेशन पहुँच चुके हैं, आनंदपुर साहब पहुँच चुके हैं जी, खालसे की धरती है। इधर गुरुद्वारा साहब सामने, दरबार साहब जिथे खालसे साजन हुई, तो काफ़ी वड्डा स्टेडियम स्टेशन बनाया हुआ इतने। जे अगले स्टेशन की गल करिए आ गया नंगल डैम, बाई वर्कर बैठा माप रहा कुछ। ये नंगल डैम उ है जिथे भाखड़ा डैम बनया हुआ है, थोड़ा जहा नाल ही है, 353.95 मीटर है समुद्र तल तो यदि उचाई इस जगह की। सारा ये भी बिजली वाला इलैक्ट्रिक वायर लगिया है, ट्रेन इलैक्ट्रिक वाली अगे देख रहे हो, एक ट्रेन पहले ही ऑटोमेटिक खड़ी है।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੰਗਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ RPF ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੋਸਟ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਬ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁੱਕ ਗਈ ਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅੰਬ ਅੰਦੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਬ ਅੰਦੋਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਲਵਾਂਗੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲਈ ਬੱਸ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਇਹ ਉਨਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲਈ ਆਟੋ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਅਰਮਾਨ ਚਲੋ ਅਤੇ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ